रात को घी लगी रोटी का एक टुकड़ा चूहेदानी में रखकर हम लोग सो जाते थे। रात को लगभग 11-12 बजे खट की आवाज़ आती तो हम समझ जाते थे कि कोई चूहा फंसा है, पर चूंकि उस जमाने में बिजली उतनी आती नहीं थी तो हम लोग सुबह तक प्रतीक्षा करते थे। सुबह उठकर जब हम चूहेदानी को खोलते देखते थे तो उसके कोने में हमें एक चूहा फंसा हुआ मिलता था। हम हिंदू चूंकि जीव हत्या से परहेज करते हैं, इसलिए हमारे बुजुर्ग उस चूहेदानी को उठाकर घर से दूर किसी नाले के पास ले जाया करते थे और वहां जाकर उसका गेट खोल देते थे ताकि वो चूहा वहां से निकलकर भाग जाए। मगर हमें यह देखकर बड़ा ताजुब होता था कि गेट खोले जाने के बावजूद भी वो चूहा वहां से भागता नहीं था, बल्कि वहीं कोने में दुबका रहता था। तब हमारे बुजुर्ग एक लकड़ी लेकर उससे उस चूहे को धीरे से मारते थे और भाग भाग की आवाज लगाते थे, पर तब भी वो चूहा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता था। बार बार उसे लकड़ी से मारने और शोर करने के बाद वो चूहा निकलकर भागता था। जब तक अकल कम थी हमेशा सोचता था कि गेट खुला होने के बाद भी ये चूहा भागता क्यों नहीं है, पर बाद में जब अकल हुई तो समझ आया कि रात के 11-12 बजे चूहेदानी में कैद हुए चूहे ने सारी रात उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश की होगी, हर दिशा में जाकर प्रयास किया होगा, पर जब उसे ये एहसास हो गया कि अब इस कैद से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है तो थक हार कर उसने अपने दिलो दिमाग को ये समझा दिया कि अब मेरा भविष्य इस पिंजरे के अंदर ही है, इसी कैद में मुझे जीना और मरना है। इसीलिए सुबह जब चूहेदानी का गेट खोल दिया जाता था तो भी उस चूहे का माइंडसेट यही बना हुआ था कि मैं तो कैदी हूँ और मैं कैद में हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। इस माइंडसेट ने उसे ऐसा बना दिया था कि सामने खुला गेट और मुक्ति का रास्ता दिखते हुए भी उसे नहीं दिख रहा था। अपना हिंदू समाज भी ऐसा ही था। हजारों सालों की गुलामी में हमने आज़ादी के लिए बहुत बार प्रयास किए पर आज़ादी नहीं मिली, तो हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया कि हम तो गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम आज़ाद हो ही नहीं सकते। इसीलिए मुगल गए तो हमने अंग्रेज़ों की गुलामी शुरू कर दी और जब अंग्रेज़ गए यानी गेट खुला तो भी हमें आज़ादी का रास्ता नज़र नहीं आया, हम एक वंश की गुलामी में लग गए। उस एक वंश की गुलामी करते करते इतने गिर गए कि हमने गुलामी करने को लेकर भी प्रतिस्पर्धा होने लगी कि कौन सबसे बेहतर गुलामी कर सकता है। हम इतना गिर गए, एक खानदान की गुलामी करने में हम इतने गिरे कि हमारे अपने नेताओं ने ही हिंदू जाति को आतंकवाद से जोड़ दिया, यानी जिस बात को कहने की हिम्मत आज तक पाकिस्तान ने भी नहीं की वो बात गुलाम मानसिकता से ग्रस्त हमारे अपने लोगों ने कही। हम चूहे वाली माइंडसेट में थे, इसलिए समुचित प्रतिकार नहीं कर सके, तो उनका हौसला और बढ़ा। फिर श्री राम और श्री कृष्ण को मिथक चरित्र घोषित कर वो राम सेतु जैसे हमारे आस्था केंद्रों को तोड़ने की ओर बढ़े। फिर हमारे भाई बांधवों का हक छीनकर मजहबी आधार पर आरक्षण की घोषणाएं करने लगे। फिर एक दिन ये घोषणा कर दी कि जिस देश को तुम्हारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है उसके संसाधनों पर पहला हक तुम्हारा नहीं है। हम अब भी उस चूहे वाली माइंडसेट में थे, इसलिए फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हम लक्षित हिंसा बिल लाएंगे और साबित करेंगे कि तुम बहुसंख्यक हिंदू जुल्मी हो, दंगाई हो, देश के मासूम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक सख्त सजा का प्रावधान रखा जाएगा। इस अंतहीन काली रात के बाद अब सुबह हो गई थी। लकड़ी लेकर हमें जगाने वाला एक आदमी आ चुका था जो हमें बता रहा था कि अब बहुत हो चुका, कैद से निकलो, गेट खुला हुआ है। उस आदमी ने पूरे देश में घूम कर हमें गुलामी वाले लंबी निद्रा से जगाया, हमारे सामने खुला दरवाजा दिखाया। हम जागने लगे और 16 मई 2014 को गुलामी वाले कैद से निकल गए।
जो नहीं निकल रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अब तो निकल जाइए। वैसे भी हम वो दरवाज़ा हमेशा के लिए तोड़ चुके हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये छोटा सा यहाँ पे मैं आपके समक्ष एक किस्सा लेकर आया था, और मैं उम्मीद यह भी करूँगा कि आप इस किस्से से कुछ ना कुछ समझे होंगे। और यह बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, क्योंकि आज हम उन गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं जिनसे हमें न जाने कब का निकल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम उन गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और अपना माइंडसेट बनाए हुए हैं कि हम तो बस गुलाम हैं, हम तो किसी के सेवक हैं, आज़ादी की तरफ हम अभी भी नहीं देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।